आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पी एस क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज उन क्वेश्चनों का वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्टैंड इसमें हम डीप वीडियो कलेक्शन अब इसका अपना चल रहा है, ठीक है। इसका एक वीडियो लेक्चर मैं आप लोगों को पहले प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टैंड जिस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, समय बचाने के लिए मैंने उस क्वेश्चन को स्क्रीन पर लिख रखा है, ठीक है। एक बार मैं फिर से बताऊँ आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में 2 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए क्या क्वेश्चन है, किसे इस प्रकार समझा जाएगा देखते हैं। देखिए स्टैंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको मिलेगा संक्रमण तत्वों के यौगिक अथवा आयन क्यों रंगीन क्यों होते हैं, ठीक है। देखिए संक्रमण तत्व क्या होते हैं ये मैंने आपने जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है। और आज हम पढ़ रहा है कि संक्रमण तत्वों के आयन अथवा यौगिक रंगीन क्यों होता है, कलर क्यों होते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं। तो देखिए स्टैंड संक्रमण तत्वों के जो आयन होते हैं या यौगिक होते हैं वो रंगीन इसलिए होते हैं बच्चों, क्योंकि उसके उप अंतिम डी कक्षक में आयुग्मित यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बस मैं आप लोग फिर से रिपीट कर रहा हूँ, संक्रमण तत्वों के यौगिक अथवा आयन रंगीन इसलिए होते हैं बच्चों क्योंकि इनके उप अंतिम डी कक्षक यानी अंतिम जो पहले वाला कक्षक, ठीक है, में क्या होता है आयुग्मित यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चलिए आप इसको फील के साथ देखते हैं मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों से। देखिए डेफिनेशन तो देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे देख पा रहे होंगे क्या है, संक्रमण तत्वों के यौगिक अथवा आयन जलीय विलयन में रंगीन इसलिए होते हैं क्योंकि इनके उप अंतिम डी कक्षा उप अंतिम डी कक्षा मतलब अंतिम कक्षा से जस्ट पहली वाली कक्षा, ठीक है, मैं आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उपस्थित होते हैं। कैसे देखिए ध्यान से, देखिए वैनेडियम आयन है, ठीक है। अब इसका 2+ है, अब इस 2+ का मीनिंग क्या आप समझ लोगे कि वैनेडियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कहें त्याग रखे, ठीक है, बस में आ रही है। क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों कि जब भी कोई एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव आयन बनाता है, क्या होता है पॉजिटिव आयन। जैसे कि सोडियम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम आयन बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसका एटम नंबर कितना है, 11 है, एक इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिया, एक की कमी होगी तो यहाँ पर इसका सोडियम आयन का जो परमाणु क्रमांक होगा कितना होगा बच्चों, 10 होगा, बस मारिए, क्योंकि इसने बच्चों एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर रिलीज कर दिया, यहाँ पे एक की कमी हो गई, ठीक है। अच्छा इसी प्रकार हम वैनेडियम को देखते हैं बच्चों, वैनेडियम का जो एटम नंबर होता है बच्चों 23 होता है, कितना होता है बच्चों 23 होता है, ठीक है। अब ये बच्चों ये 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से त्यागे हुए हैं, ठीक है, तो ये कितना रहेगा, ये कुल मिलाकर आपका जाएगा 21 रह जाएगा, तो कितना रहेगा 21 रह जाएगा, ठीक है। यानी वैनेडियम 2+ आयन का जो परमाणु क्रमांक आप देखा जाएगा वो कितना होगा तो 21 होगा, ना कि 23 होगा, बल्कि नेचुरल कितना होता है, वैनेडियम का जो नेचुरल एटम नंबर 23 होता है, लेकिन अगर ये 2+ आयन बना हुआ है इसका मतलब इसके अंदर 2 की कमी है इलेक्ट्रॉनों की, तो यहाँ पे क्या होगा, चलिए मैं थोड़ा और फिर के साथ समझाऊँ। मान लीजिए ये वैनेडियम है 23, ठीक है, अपने अंदर से बच्चों ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हुए हैं, ठीक है, तो मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों ये आ गए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ने रख दिए, तो यहाँ कितना जाएगा आपको बच्चे 21 रह जाएगा, बस में आप लोग को। अब देखिए आप इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं, अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो ये जलीय विलयन में तो कलर तो इसका कैसा होगा बच्चों, ग्रीन होगा, तो हरे कलर का होगा, इलेक्ट्रॉन विन्यास देखें, ठीक है। देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3, ठीक है। अब देखिए नंबर कितना है, 21 है, यानी एटॉमिक नंबर 21 है। अब देखिए ये क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है, ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है। अब देखिए ये नंबर कहाँ पर देखना आपको, देखो 2 और 2 कितना होगा 4, 4 से 10, 10 से 2, 12, 12 से 18, 18 से 21, यानी बिल्कुल यही नंबर आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए जो आपका डी कक्षक दिख रहा है, ये जो डी कक्षक दिख रहा है आप देखना इस डी कक्षक के अंदर आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, ठीक है, वो कैसे देखते हैं चलिए समझाता हूँ। देखिए हम बनाएंगे इसका डी उपकोष, क्या बनाएंगे बच्चों, डी उपकोष बनाएंगे, बना दीजिए, ठीक है ये। और हम जानते हैं कि इसके अंदर बच्चों 5 ऑर्बिटल होते हैं, कितने, 1, 2, 3, 4, 5 ऑर्बिटल होते हैं डी उपकोष के अंदर, ठीक है। अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों इसके अंदर, 3, 1, 2, 3, तो आप देख पा रहे हो बच्चों कि इसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है डी उपकोष के अंदर, ठीक है। और जब आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो जिसके अंदर आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं संक्रमण तत्वों में, ठीक है, तो वो आयन क्या होता है बच्चों, रंगीन होता है, इसलिए जलीय विलयन में वैनेडियम 2+ आयन का जो रंग होता है बच्चों कैसा होता है, वो हरा होता है, ठीक है। इस आंसर को और अच्छा दिखाने के लिए बच्चों आप ये करके जरूर दिखाएं, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के साथ साथ इसका जो ये स्टेटमेंट आपको दिखा रहा हूँ थ्री डी वाली कक्षा वाली है ना, इसको आप एग्जाम्पल बनाकर आएंगे तो और भी ज़्यादा आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रही होगी,
यानी जो मैंने अभी बनाया था उसको मैं दोबारा रिपीट करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं 3D स्टडी में इसी के आगे लिख देता हूँ ताकि मुझे और भी आगे बता रहे हैं। तो 1, 2, 3 लिखो, ठीक है। बात समझ आ रही है? 3 बात समझ आप लोगों को? अच्छा, अब देखिए इसी की बात कर लेते हैं, दूसरा समझते हैं। दूसरा क्या है? आयरन यानी Fe लोहा, ठीक है। ये अपनी नेचुरल स्टेट से कितने इलेक्ट्रॉन त्याग हुए? 3 इलेक्ट्रॉन त्याग हुए हैं। वैसे तो नेचुरल की अगर बात करो जैसे स्टेट Fe का जो एटॉमिक नंबर होता है, आयरन का जो नंबर होता है 26 होता है, ये तो होता है 26 होता है। लेकिन बच्चों ये अपने अंदर से हमने क्या देखा, Fe3 भी दिख रहा है। Fe3 का 3 प्लस का मतलब बच्चों क्या है कि ये अपने अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हो, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कमी हो जाएगी, 26 से कितना जाएगा 23 हो जाएगा, कितना जाएगा 23। तो यहाँ पर कितना एटॉमिक नंबर देखा जाएगा, यहाँ पे 23, यानी यहाँ पे जो होगा Fe3 आयरन के अंदर 3 आयरन के अंदर 23 इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे 23 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 23 को बैलेंस करना होगा, कैसे करेंगे ध्यान समझिए, देखो 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d5। नेक्स्ट टाइम अब देखेंगे 23 से, देखो 2 और 2 4, 4 से 10, 10 और 12, 12 से 18, 18 5 कितना हो गया 23, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसकी 3D स्टडी बनाए, अब 3D स्टडी बनाया तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि डीप कोर्स के अंदर कितने होते हैं, 5 कक्षक होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है भाई, मैं दिखा रहा हूँ जान समझिए, 5 और 1, 2, 3, 4, 5, देखो 3D5 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, यानी इसके अंदर क्या 5 आयुक्त इलेक्ट्रॉन है बच्चे, कितने इलेक्ट्रॉन है 5 आयुक्त इलेक्ट्रॉन है किसके अंदर, Fe3 आयन के अंदर, बात सुना रही है। और इसका जिसे इन्हीं आयनिक इलेक्ट्रॉनों की वजह से इसका जलीय विलयन बनने कैसा होता है बच्चों, पीला होता है, कैसा होता है बच्चों, पीला होता है, बात समझ आप लोग को। तो कम से कम जब भी क्वेश्चन बच्चों आपसे एग्जाम पूछा तो कम से कम 2 आइटम का ही आप करके दिखा सकते हैं, उनका कलर भी उसके सामने लिख लेते हैं, ठीक है। और एक बार मैं आपको बताते चलूँ क्रिस्टियन, जिन आइटम मतलब यौगिक के आयन के अंदर आयनिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो याद रखना वो अनुचुंबकीय प्रकृति भी शो करते हैं, इस बात को याद रखना। यानी जिन एटम के अंदर या जिस आयन के अंदर आयन इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुझे बताते हैं अनुचुंबकीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं, ये मैंने जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है। असल में आप लोगों को तो ये मैं एक्स्ट्रा बात आपको बता रहा था कि जिन एटम के अंदर आयन के अंदर आयन इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनुचुंबकीय प्रकृति भी शो करते हैं, ये सारे क्या होंगे बच्चों, अनुचुंबकीय प्रकृति शो करेंगे, बस तो मेरी आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, और जिसके अंदर एक भी आयन इलेक्ट्रॉन ना हो, जिस एटम के अंदर आयन के अंदर एक भी आयन इलेक्ट्रॉन ना हो, पसंद है आप लोगों को, तो बच्चों वो क्या होगा, वो प्रतिचुंबकीय होगा। वो प्रतिचुंबकीय होते हैं बच्चों, प्रतिचुंबकीय क्या रखना, रंगहीन होते हैं, उनके अंदर कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये, अगर शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो ये एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, स्टैंड जो अनुचुंबकीय होते हैं ना, अनुचुंबकीय जो होते हैं स्टैंड, ठीक है, वो कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं, ठीक है। और ये कब होते हैं, जब इनके अंदर क्या होता है बच्चों, अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी आयुगमित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। आज से आगे मैं बात करता हूँ स्टैंड और आगे समझे, देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, एटम या आयन होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, रंगहीन, आयन के अंदर कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। और याद रखना प्रतिचुंबक के अंदर, ठीक है, यानी एक भी आयुगमित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सब पेयर के साथ होते हैं, सब जोड़े के साथ होते हैं, कहते होते हैं सब जोड़े के साथ, कैसे, जैसे मान लीजिए कोई ऑर्बिटल मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे देखो क्या आ रही है, पेयर के साथ रहते हैं, यानी प्रतिचुंबक जो आयन होते हैं बच्चों, इनके अंदर क्या होता है, एक भी आयुगमित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यानी हर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बना हुआ होता है, क्या होता है बच्चों, जोड़ा बना हुआ होता है। जबकि अनुचुंबक में क्या होते हैं, 1, 2 या 3 या 4 जैसा पाँच देख पा रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे आयुगमित है, ठीक है। तो अनुचुंबक में क्या होता है बच्चों, अनुचुंबक क्या होते हैं, वो जिनके अंदर आयुगमित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, प्रतिचुंबक होते हैं वो जिनके अंदर आयुगमित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। दूसरी बात, अनुचुंबक जो होते हैं बच्चों, रंगीन होते हैं, ठीक है, और जो प्रतिचुंबक होते हैं रंगहीन होते हैं, अर्थात जिनका कोई भी कलर नहीं होता है, ठीक है स्टैंड। तो ये मैंने आपको बताया कि जो ये सारे संग्रह होते हैं, वैनेडियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल और ये टाइटेनियम, इसके बाद ये एक इसका इसका यौगिक है संग्रह तत्व, कैसे पढ़ाएंगे इसको, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थ्री आयन, कैसे पढ़ते हैं, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थ्री आयन, हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये उपसे थोड़ा मैंने एक टॉपिक ले रखा है, ठीक है, क्योंकि मैंने लिखे हुआ था संक्रमण तत्वों के यौगिक, तो यहाँ पर जो टाइटेनियम है ये संक्रमण तत्व है, केंद्रीय धातु है, ठीक है। और ये जो आपका जो H2O हेक्सा दिख रहा है आपको चेक करना, ये लिगेंड है, इसके बारे में और हम आगे जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका जो विलयन का रंग होता है वो कैसा होता है, हल्का
बैंग नहीं होता, तो याद रखना। तो ये जो है ये तो यौगिक है, संकरण तत्वों का ये क्या बच्चों यौगिक है, ठीक है, जहां मैंने ये कहा था यौगिक, ठीक है। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो तीनों चार आपका देख पा रहे हैं, ये क्या तीनों क्या है, संकरण तत्वों के आयन है, क्या बच्चों ये आयन है, ठीक है। तो ये भी सारे ये देखो यौगिक और आयन दोनों क्या है, रंगीन होते हैं, ठीक है। सबका कलर मैंने उनके सामने लिख रखा है, लेकिन याद रखना इनका रंगीन होने का मतलब ये है कि इनके अंदर क्या होते हैं बच्चों, आयन के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जिनके अंदर आयन के इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है, वो रंगहीन होते हैं, यानी उनका कोई कलर नहीं होता है और वो प्रतिचुंबकीय होते हैं, ठीक है। और जिनके अंदर आयन के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं और उनको अनुचुंबकीय कहलाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बच्चों ये आंसर था, मैंने आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। चैनल पर नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।